हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा बेटा आप सब जानते हो, मैं आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, और आपको पता हो तो हम चैप्टर नंबर हमारा ऐसे ही कह देता हूँ, फोर्थ के रूप में ही कह देता हूँ। हम अलग अलग मेजर मेजर टॉपिक ले रहे हैं, और उस प्रकार से हमने तीन ऐसे मेजर टॉपिक कंप्लीट किए हैं। उसके बाद में एक फोर्थ मेजर टॉपिक मैंने शुरू करवाया था, वो था ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल। क्या था? हम पढ़ रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल, GRUPING, ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल। ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल पढ़ रहे थे। कल की जो क्लास थी हमारी, उस क्लास में मेन यही टॉपिक था, ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल का इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसका महत्व पढ़ा था हमने, कि हम जो ग्रुपिंग करते हैं किसी भी सामग्री की, किसी भी पदार्थ की, उसका कुछ ना कुछ तो महत्व होगा ना, तभी करते, बाकी की नहीं करते। और मैं प्रीवियस क्लास मैंने ली है, वो सारा मैंने यही बताया था आपको कि उसका क्या महत्व होता है। आज आगे बात कर रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की। क्या बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ MATERIAL, materials। प्रॉपर्टीज का मीन्स क्या होता है? या तो कह दूं गुणधर्म या विशेषताएं, विशेषताएं, ठीक है ना। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी मीन्स होता है उसकी क्या विशेषता होती है। अब कोई भी अगर थिंग होती है बेटा, कोई भी मटेरियल हो, उसकी कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी होगी है। जैसे वो किसकी बनी हुई होती है, वो दिखने में कैसी है, तो ऐसा मैं कहूंगा एक हो या एक से ज्यादा, वन या मोर मटेरियल, वो किसी ना किसी चीज का बना हुआ होता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका उपयोग हम प्रत्येक चीज के लिए नहीं कर सकते हैं। यानी देखो, मेरे कहने का मतलब यह है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि कोई बेटा सेम थिंग होती, सेम का मीन्स होता समान, कोई समान वस्तु होती है अगर, तो कोई समान वस्तु एक हो या एक से ज्यादा हो, वो उस अलग अलग पदार्थ की बनी हुई होती है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, यानी कुछ ऐसे सेम मटेरियल्स होते हैं जिसका उपयोग हम प्रत्येक वस्तु को बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखो, मैं समझाता हूं, जैसे मैं बात करता हूं एक शर्ट की, हम जो शर्ट पहनते हैं, ये शर्ट, एक शर्ट की बात करता हूं, हम एक शर्ट बना सकते हैं। अब वो किसे बना सकते हैं? देखो, नायलॉन से बना सकते हैं, कॉटन से बना सकते हैं, वूल से बना सकते हैं, रेयन से बना सकते हैं। यानी शर्ट एक ही है, वस्तु तो एक ही है, लेकिन उसे अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बना सकते हैं ना। वस्तु क्या बनाई आपने? आपने शर्ट बनाया, आपने सिर्फ शर्ट बनाया, एक ही वस्तु आपने बनाई है, बट वो अलग अलग सामग्री की है। कॉटन की भी हो सकती है, नायलॉन की हो सकती है, वूल की हो सकती है, रेयन की हो सकती है। लेकिन हम इस मटेरियल का उपयोग कोई दूसरा बर्तन बनाने के लिए कर सकते क्या, बताओ? मैं कह देता हूं नायलॉन है या कॉटन कपास है, रेयन है, उसे क्या आप कोई बर्तन बना दोगे? बेटा बर्तन नहीं बनेगा। तो मेरे कहने का बस मतलब यही है, कोई एक वस्तु होती है, उस एक वस्तु को अलग अलग प्रकार की सामग्री से बनाया जा सकता है, बल्कि उसी से कोई दूसरी चीज नहीं बनाई जा सकती। कोई जरूरी नहीं है कि वही है उसे दूसरी, जैसे ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया मैंने, शर्ट आपने या तो नायलॉन का बनाया या कॉटन का बनाया या ऊन का बनाया है, उसे आप शर्ट ही बना सकते। उसके ऐसा नहीं कि मैं उसे, मेरे घर में पकाने वाला बर्तन चाहिए मुझे, वो बना दूंगा, उसे वो थोड़ी बनता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर मटेरियल होता है, कोई भी सामग्री होती है, कोई भी पदार्थ होता है, उसका साइज अलग अलग होती है, उसका आकार अलग अलग होता है, उसका रंग अलग अलग होता है, उसकी बनावट अलग अलग होती है, उसकी स्मेल अलग अलग होती है। कोई भी चीज हो, उसकी अगर हम स्मेल उसको सूंघते हैं तो अलग अलग टेक्सचर, बनावट होती है, वो अलग अलग बनावट, कलर, रंग अलग अलग होता है, साइज अलग अलग होती है,
उसका शेप अलग अलग होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी है? मैटर की है। ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है? तो ये सारी प्रॉपर्टी एक पदार्थ की है। कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी सामग्री होती है, ये जो मैंने बताई है वो सारी प्रॉपर्टी किसकी है? एक मैटर की तो है, एक द्रव्य की है। हम अलग ऐसे पढ़ेंगे, जैसे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे और फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे LUSTRE यानी लस्टर पढ़ेंगे, LUSTRE लस्टर, और लस्टर का मीन्स होता है चमक। क्या होता है? चमक होता है। साइनिंग को तो मान दो ना, लस्टर का तो नहीं सुना होगा वर्ड, बट साइनिंग में तो समझते होंगे। तो ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं या ऐसी कुछ सामग्री जो हमारे को दूसरे से अलग दिखती है, दिखने में दूसरों से अन्य वस्तु से अलग है। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो शाइनी हो सकते हैं, यानी उसकी चमक हो सकती है, जबकि अन्य जो ऐसे होते हैं जो नॉट हो सकते हैं, यानी कि वो अदर में नॉट, यानी कुछ नहीं भी हो सकते हैं। कुछ सामग्री की, कुछ पदार्थों की शाइनिंग हो सकती है और कुछ पदार्थों की शाइनिंग नहीं भी हो सकती है। तो ऐसा मटेरियल जो होता है उसकी स्पेशल साइन होती है, उसकी विशेष चमक होती है, हम उसको कह सकते हैं लस्टर कह सकते हैं। स्पेशल साइन को ही लस्टर कहा जाता है, ठीक है ना? इसका मींस ऐसे समझ लेना, लस्टर का मींस होता है स्पेशल साइन, यानी विशेष चमक। अब ऐसे में मटेरियल्स की बात करता हूं, मटेरियल्स में देखो कॉपर के अलावा आयरन, लोहा, उसके अलावा एल्यूमिनियम, हो गया, उसके अलावा सोना हो गया एंड सिल्वर चांदी हो गया। ये सारे क्या बेटा? ये सारे साइनिंग है इसकी, सबकी कॉपर की साइनिंग होती है। कॉपर मीन्स तांबा, आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम आपको पता है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, इन सबको अगर आप देखते हो तो इन सबकी साइनिंग होती है कि नहीं होती, बताओ? ये सारे क्या होते हैं? ये सारे एक लस्टर पदार्थ होते हैं। ये एग्जाम्पल है, कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल है, उसको धातुएं कहा जाता है, जो कि क्या देते हैं? एक चमकीली चमक देते हैं, ब्राइट कलर की, ब्राइट यानी चमकीला, इसकी ब्राइट शाइनिंग होती है जब हम उसको फ्रेशली काटते हैं। अब अगर आप बात करोगे सर कि सर लोहा होता है, लोहे की तो शाइनिंग होती नहीं है, बट बेटा लोहा की शाइनिंग कब नहीं होती है? कि जब लोहा बाहर कांटेक्ट में आ जाता है, वायु से कांटेक्ट आ जाता है, एंड देन एयर से कांटेक्ट आ जाता है, एयर और वाटर से कांटेक्ट में आ जाता है, तब उस पर जंग लग जाती है, तब उसके कारण से उसका रंग काला हो जाता है। बाकी अगर आप उसको फ्रेशली कट करते हो, उसको अगर फ्रेशली उसको काटते हैं लोहे को, तो अंदर से बहुत शाइनिंग होती है उसकी, तो वो तो बाहर संपर्क में आता है, इस कारण से जंग लग जाती है। बाकी लोहा की भी फ्रेशली शाइनिंग होती है, और ये जो शाइनी अपीयरेंस होता है उसे मिक्स ज्वेलरी बनाने में उपयोग होता है। जैसे सोना चांदी होता है तो उसे आभूषण बनाए जाते हैं, ज्वेलरी में यूज होता है, उसके अलावा डेकोरेशन में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी को मोर अट्रैक्टिव करना है, मोर अट्रैक्टिव मीन्स किसी को अगर ज्यादा आकर्षक करना है, किसी चीज को ज्यादा आकर्षक बनाना है, सजावटी बनाना है, तो उसको डेकोरेशन कर सकते हैं। और इसी कारण से जो हमारा गोल्ड जो होता है, क्या जो गोल्ड यानी जो सोना होता है, उसके अलावा सिल्वर होता है, यानी सोना हो गया, चांदी हो गया, डायमंड, हीरा हो गया, इसका वायरली यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए, शाइनिंग होती है, इसी कारण से इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है आभूषण बनाने के लिए। कुछ ऐसे मेटल्स है जैसे कि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये डल बन जाते हैं। डल का मीन्स बेटा होता है अपनी साइनिंग खो देते हैं, उसकी साइनिंग चली जाती है, उसको डल कहते हैं। अपने उसकी साइनिंग चली जाती है, कब चली जाती है? समय गुजरने के साथ साथ में, जैसे जैसे पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय निकलेगा तो उसकी साइनिंग चली जाएगी, उसकी साइनिंग चली जाती है। अगर आप देखो सोने के भी चांदी के अगर आभूषण है, अगर चांदी के आभूषण होते हैं वो भी अगर हम उसको डेली कंटिन्यू पहनते हैं तो उसकी चमक भी चली जाती है, फिर हम उसको साफ करते हैं वापस चमक आ जाती है। तो ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम हो गया, उसमें क्या होता है?
समय गुजरने के साथ साथ में साइनिंग चली जाती है, और यही कारण है, उसका कारण है, एक तो एयर के एक्शन में आती है, बाहर वायु के संपर्क में आती है, उसी कारण से एक उस पर परत बन जाती है, वायु के संपर्क में आती है तो उस पर क्या बन जाती है, एक डस्ट बन जाती, लेयर बन जाती है डस्ट की, उसके ऊपर क्या बन जाती है, डस्ट की लेयर बन जाती है। और ये ऑक्सीजन जो होता है, एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है आपको पता है, वायु के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है आपको भी पता है, और यही ऑक्सीजन गैस जब ऐसे मेटल के संपर्क में आती है, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, यही ऑक्सीजन गैस जब उसके संपर्क में आती है तो उसको क्या बना देती है, उसको डैमेज कर देती है उसके संपर्क में आने के कारण, उसे क्या होता है, मैंने कह दिया ना जल से और वायु से संपर्क में आती है और उसको हम जंग लगना कहते हैं कि नहीं कहते। मैंने अभी आपको बताया था लोहे का उदाहरण देकर बताया था कि लोहा साइनिंग इसीलिए नहीं दिखता है, वो वायु के संपर्क में आता है, उसके साथ साथ में जल के संपर्क में भी आता है, तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है उस संपर्क में आने के कारण, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है इस कारण से, और उसके जंग लग जाती है, जिसको बेटा हम रस्टिंग कहते हैं, उस प्रेशर उस को क्या कहा जाता है, रस्टिंग कहा जाता है। जबकि दूसरी ओर अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, एल्यूमिनियम मेटल की बात करूं, अगर उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, उसको बचाना है अगर ऐसे खराब होने से, तो जब ऑक्सीजन वायु के अंदर जो ऑक्सीजन गैस होती है वो भी उसकी मेटल की सरफेस पर आ जाती है, जैसा लोहे के साथ होता है वैसा एल्यूमिनियम के साथ भी होता है, और इस कारण से क्या कि इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, एक उसके ऊपर, इसके ऊपर एक मोटी परत चढ़ा दी जाती है, मोटी उसके ऊपर क्या चढ़ा दी जाती है, परत चढ़ा दी जाती है जो कि इस नेचर में उसको सुरक्षित कर सकती है। हम ऐसे नॉर्मली कहते ना पेंट वगैरह, बेटा हम पेंट क्यों करते बताओ, हम लोहे के अगर दरवाजे वगैरह होते हैं हमारे घरों में, लोहे के अगर हमारे घरों में दरवाजे की क्या होती है, तो हम उसको पेंट क्यों करते हैं, पेंट इसीलिए करते हैं ताकि जंग नहीं लगे उसके लिए, इसीलिए करते ना, या कोई दूसरा कारण है, इसीलिए करते हैं बेटा, इसीलिए ही किया जाता पेंट की उसको जंग लगने से बचाया जा सके, वो लोहा होता वो डायरेक्ट वायु के संपर्क में नहीं आए। इस प्रकार से हमने एक इसका प्रॉपर्टी पढ़ी है, लसर की प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या पढ़ी है, लसर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। आपको होमवर्क में क्या करना है, प्रॉपर्टी और मटेरियल लिखना है, फिर ये लिखना देखो आपको प्रॉपर्टी और मटेरियल होमवर्क में, फिर नंबर वन डाल करके लसर लिख देना, और आपको सिर्फ नाम नाम लिखने, मैं लिखवा देता हूं जल्दी जल्दी में, जैसे एक प्रॉपर्टी लसर हो गई, हिंदी वाला नहीं लिखना, सिर्फ इतना ही लिखना LUSTR, फिर एक लिख देना कल पढ़, कल की क्लास में पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे एक तो हार्डनेस पढ़ेंगे, उसी प्रकार से नंबर थर्ड पर क्या पढ़ेंगे, TXTUR टेक्सचर यानी बनावट पढ़ेंगे, फिर नंबर फोर पर उसकी डेंसिटी पढ़ेंगे, DENSITY, क्या पढ़ेंगे, डेंसिटी पढ़ेंगे, DENSITY डेंसिटी, इसमें डेंसिटी में क्या पढ़ेंगे, एक तो FLOATING फ्लोटिंग पढ़ेंगे और एक सिंकिंग पढ़ेंगे, SINKING, सिंकिंग यानी डूबना और फ्लोटिंग में तैरना, ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसके बाद में नंबर फाइव पर पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी इन वाटर, SOLUBILITY, सॉल्युबिलिटी इन वाटर यानी पढ़ेंगे जल में विलेयता, क्या पढ़ेंगे जल में विलेयता पढ़ेंगे कि कोई पदार्थ जल में घुलता है या नहीं घुलता है, ठीक है ना, उसी प्रकार से ऐसे आगे पढ़ेंगे। आगे फिर नंबर सिक्स पर पढ़ेंगे डिफ्यूजन, DIFFUSION डिफ्यूजन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में नंबर सेवन पर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सेवन पर, वो पढ़ेंगे अट्रैक्शन, ATTRACTION अट्रैक्शन पढ़ेंगे। अब अट्रैक्शन किसके होगा, मैग्नेट की ओर, तो TOWARDS towards A MAGNET towards a magnet। उसके बाद में नंबर एट पर क्या पढ़ेंगे, एट पर पढ़ेंगे कंबस्टिबिलिटी, COMBUSITISITIBILITY कंबस्टिबिलिटी का मींस कोई वस्तु जलती है या नहीं जलती है, वो पढ़ेंगे, दहन पढ़ेंगे। और लास्ट भी पढ़ेंगे एक ट्रांसपेरेंसी, TRANSPARENCY ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शकता, ये पढ़ेंगे। तो आपको होमवर्क में ये नाम लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है, पहले लिखना प्रॉपर्टी और मटेरियल्स, फिर फर्स्ट से लेकर के कहां तक, नाइन्थ तक, फर्स्ट से लेकर के नाइन्थ तक आपको क्या करना है, उसके नाम लिखना, ठीक है ना।
तो समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है आपसे। अब बेटा मैं चलता हूँ, कल की क्लास में वापस लौटता हूँ, तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें। बेटा तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।